देखो ये इधर देखो यहाँ खड़ा है, किसको इंतज देख रहा है, ये देखना कि मम्मी मेरी आके पूजा कर लो तेरी पूजा आके पूजा करे तेरी। तो नंदू को बुरा नहीं लग जाए कि मेरी पूजा नहीं होती, इसलिए इसकी भी कर रहे हैं थोड़ा एक बहुत किया भाई, थोड़ी बहुत तेरी भी कर रहे हैं, मगर होती सांत्वना पुरस्कार इसको। तेरी भी इज्जत हो रही है आज तो, उठा लिए। राम राम साहब, तो स्वागत है आप सभी का बावड़े छोरों की ब्लॉगिंग वीडियोस पे। ये भी राम राम कर दी है, राम राम कर दी झूमर राम राम। हाँ तो आज है बचपारस, और बचपारस को क्या होता है, टोकड़े वाली गाय की पूजा होती है, जिसके बछड़ा होता है ना उसकी पूजा होती है। उधर क्या देख रही है तू, इधर देखना, वीडियो में बात कर रहे अपन। हाँ बछड़े वाली गाय की पूजा होती है, तो ये है हमारी बछड़ी वाली गाय, सॉरी बछड़े वाली गाय, और वो है हमारी बछड़ी वाली गाय, तो इसकी आज पूजा होगी डमरू के साथ। तो उसके लिए मेन क्या होता है, बचबारस के दिन है ना, गाय का दूध, गाय के दूध से जो भी बनी हुई चीजें इस्तेमाल में नहीं ली जाती, ना पिया जाता ना दूध पिया जाता है, और दूसरा गेहूं और जौ ये अनाज नहीं खाया जाता है, बाकी सारे अनाज खाया जाता है, बाजरी खा ली गई और ये खा ली गई, और दूध नहीं पिया जाता है, इसीलिए आज हमारे इस शेर के मजे पूरा इसी को मिलेगा। इसको तो वैसे ही पूरा मिलता है। हाँ वैसे ही इसको पूरा मिलता है। हटो बीच में परेशान मत करो, ये कह रहा है दूध पीना, तो तुम्हारा वीडियो बाद में शूट करना। तो आपको समझ में आ गया ना, आज के दिन मतलब गाय के दूध को प्रयोग में नहीं लिया जाता। हाँ मतलब थोड़ा सा जो इस्तेमाल करते थे ना वो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे झूमर का, तो और आज तो उसका भी नहीं किया जाएगा, आज तो उसका भी नहीं किया जाएगा। इसको देखो झालर, ए झालर झालर क्या लेके आ रहा है अभिषेक, ठीक है नहीं, ऐसी आज हमारी वसुधा थोड़ी उदास है कि मेरी तो पूजा होगी नहीं, आज तो टोकड़े की होती है, आज ही के दिन तो लाई टोकड़ों की इज्जत होती है ना वसुधा, आज तो तेरी पूजा ही नहीं होगी, आज तो डमरू की होगी, डमरू की है ना। तो ये मम्मी रेडी हो गई है बचबारस की पूजा करने के लिए, और उधर देखो भाभी भी रेडी है। हाँ क्यों नहीं दिखेगी पूजा भाभी, और इधर आप कहाँ जा रहे हो, मैं लेके आ रहा हूँ हमारे डमरू सेठ को, आज डमरू सेठ की पूजा होगी, डमरू सेठ के मजे हैं, कभी कान्हा जी बनते हैं, कभी बचबारस पे पूजा होती है। क्या वो डमरू सेठ, डमरू सेठ, घुंगरू सेठ, आइए साहब आइए 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 आइए, जय श्री राम। बांधो बांधो डमरू सेठ को, बांधो जल्दी डमरू सेठ को, बांधो जल्दी बांधो, उधर उधर पास में नंदू को बांधा भाई ये। तो अब इसको बांध रहे हैं झूमर वोरी, अब दोनों माँ बेटों की पूजा होगी, और ये आ चुका है नंदू। देखो अब इसकी तबीयत एकदम सही हो गई है, ये जो फुंसियाँ हैं अब ये धीमे धीमे सही हो रही है, बाकी एकदम फर्स्ट क्लास, थोड़े दिन रहेगी, बाकी हमारा शेर तैयार हो गया है ना, एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है, देख लो ऐसे फां फूंक रहा है, फां फूंक मारकने पे आया हुआ है, थोड़ा सा पतला जरूर हो गया, मगर कोई बात नहीं, बच गया वो बड़ी बात है। ये देखो आया कि मेरी भी पूजा करो, तेरी पिछले साल हुई थी ना, देखो ये इधर देखो यहाँ खड़ा है, किसको इंतज देख रहा है, ये देखना कि मम्मी मेरी आके पूजा कर लो तेरी पूजा आके पूजा करे तेरी, मम्मी को भी इसकी लानी है साथ में, माँ बेटों के साथ में होगी, देखो देखो इसको इसको राय नहीं दे रहा कि मेरी पूजा कर लो, देखो पूजा नहीं कर लो, अच्छे बच्चे का जैसे तिलक करो, तिलक करो, तिलक करो, तिलक करो, तिलक भिड़वा दिया इसने तो, अब कुछ अंदर रहता तो, कुछ अंदर रहता तो, ऊपर ऐसी दरार, तो तू तो ये भाभी भी आ गई है पूजा के लिए, पूजा के लिए रेडी। इसको देखो, इसको दफोल को देखो, इसको ध्यान ही नहीं है, ये खाने के होते हैं, अरे मोट खाने के होते हैं, क्या टोकड़ा बनेगा रे तू, इसको सिर्फ गुड़ से मतलब है बस। तो नंदू को बुरा नहीं लग जाए कि मेरी पूजा नहीं होती, इसलिए इसकी भी कर रहे हैं थोड़ा एक बहुत किया भाई, थोड़ी बहुत तेरी भी कर रहे हैं, मगर होती सांत्वना पुरस्कार, सांत्वना पुरस्कार इसको, इसको ध्यान है देखो मोट खाने के होता है, तू टोकड़ा बनेगा ना, ये तो है टोकड़ा, क्या टोकड़ा बनेगा रे तू, इसको देखो कितना गुस्सा आ रहा है, उसकी पूजा क्यों कर रहे हो, आज वैसे इसकी होगी क्योंकि इस साल का ये जन्मा हुआ है, मगर इसको सांत्वना पुरस्कार दे दिया। तो अब पूजा करवाने कौन आ रहा है, हमारी मैडम,
और ये देखना बराबर फिक्स सेट होके खड़ी होगी। करो करो पूजा करो जल्दी। तो वो इधर आएगा ही नहीं, वो तो दूर है। तीनों लूम गए इसके। मम्मी के तीनों लूम गए थे वे तो। एक दो तीन। आप इधर आओ, इधर खड़े हो। हाँ बोलो बोलो। इसको पूजा करवानी है, पूजा के साथ है इसको तो खाने को। तो उधर रेडी है झूमर दे रहे हैं, अभी रुक जा। तो झूमर की इधर पूजा हो रही है, इधर इसको देखो, तो उनको दूध पी रहा है, दूध पी रहा है। सुबह तो आप झूमर के पाँव पे देखो मेहंदी लगा रहा हूँ मैं, खुरों पे लगवा लेगी, लगवा रही है देखो। और मम्मी उधर पूजा कर रही है। नहीं है भाई, दे दो नहीं, कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी झूमर, कुछ नहीं करेगी झूमर। सीधी है इनके दोनों टोकड़ों से, इससे भी और उससे भी। हाँ, ये दोनों तो बदमाश है एक नंबर के, है ना झूमर। हाँ इसको देखो, इसको इसको मेहंदी खानी है, खा ले, ले खा ले। आज का दिन है तो टोकड़ों की इज्जत होती है। इसको एक चुटकू, इसके ऊपर क्या उड़ाया, ये क्या उड़ा दिया। बीच में आ रहा है। ए डोंट डिस्टर्ब इन द व्लॉग। डमरिया मैं मारूंगा, पहले कह रहा हूं। आएगा वो तो भाई, उसका हक है ना भाई। ये लगा दी तो इसको चुनरी ओढ़ाई जा रही है। वस्त्रम ओढ़ाविष्यामि नमः, वस्त्रम संभ्रम भयामि नमः। ये दे दोनों जने, दोनों जने पसा रहते हैं। उसको टाइट करूं क्या? हां नंदू को टाइट कर, नहीं तो पूजा ही नहीं करने दे रहा ये तो। अब हमारे सेठ जी की पूजा की बारी आ गई है। मगर तो नौटंकी कर रहे हैं जो देखो। ये कह रहा कुछ खा रहे हैं, तो पूजा ही पूजा कर जा रहे हो। ये इसको पता ही नहीं खाते खा रहा है। अरे वाह मोट खा लिया, सीख गया, सीख गया मम्मी से सीखा हो। लगू खा तू तो अपना, उसको पता है, उसको खुशबू आ रही है उसमें। गुड़ आपने, अरे पहले खिला दिया आपने, अब ये नहीं खाएगा, इसको मीठा इतना ही पता है। इसका मुंह आ गया, टेंट्रम्स पूरे हैं इसके। इसको इसको चूसा दूंगा मैं, लाओ दो। सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे, सीधा सीधा खड़ा रहे। दही तो खाएगा, दही तो लाओ, दही तो ऐसे रखो, दही का तो शौकीन है। तू करो चम्मच से भी है, कटोरी से नहीं खा रहा, चम्मच से खा रहा है। देखो नाटक देखो सेठ के, मॉडल है। हमारी तो पूरी चम्मच से खिलाओ आप, वो बाजरे की खुशबू है ना हाथ में। क्या मिल रहा, क्या मिल रहा, देख ले जा, क्या मिल रहा, जा देख ले। देखो झूमर कितनी सीधी है, चुपचाप खड़ी है, कोई लेना देना नहीं, कोई पंचायती नहीं। इसके भी मेहंदी लगाओ, ये लग रही, देखो इसके भी मेहंदी। फिर त्या ब्याह भी करेंगे हो। ये बस पूछ घुमा ली तो देखो। हाँ करो, लो बोलो, मैं बोलता हूँ क्या करना, बोलो जल्दी जाओ। झूमर में जो भी अच्छी शक्तियाँ होती है और होती है, ले लो पूछ से आशीर्वाद ले लो। देखो गौ माता की पूछ में लक्ष्मी जी का वास होता है, सारी देवी देवताओं का वास होता है, तो ये आशीर्वाद दे रही है, तो ये आशीर्वाद दे रही है इसलिए। और पूछ में सारी क्या पॉजिटिव एनर्जी होती है, इसलिए पूछ से आशीर्वाद लिया जाता है। इसको लाड कराना, भले कुछ भी करो, इसके पूछ ही लाओ। तो अब क्या होगी, कथा कथा की कथा करेंगे। हाँ, कहानी बताओगे, हमको भी बता रहा। ठीक है, ओके। तो ये इतना बीमार था कि यहाँ से हिल ही नहीं रहा था, क्या साला इतना बांडा हो गया, इसको नहीं खोलो ना तो वो देखो पाइप फोड़ दे। क्यों भाई? और तो चल, अरे क्या था, अटिन वटिन में नहीं भाई। अब ये पूरा सही हो गया, वो मारने वाला हो गया ही अभी। देख लो इसके एक्शन भी देख लो, भाग यहाँ से नंदे, भाग जा, भाग जा नंदिया, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा। अब सही है, बस केवल पुंछियों के निशान है, बाकी तो रेडी रेड है छोरा। अब तो घूमेगा ये पूरे जयनगर में, परेशान हो गई सेलिब्रिटी मैडम। रुके ही नहीं तो परेशान कीजिए मेरे को। अरे इसमें इसमें काम खाली है, कुछ भी नहीं है।
तो अब ये फ्री, अब ये घूमेगी बढ़िया, फिर इसको वापस शाम को डालेंगे। ओके, जय गो माता। और अब सेठ जी के अंदर जाने का टाइम हो गया है। चलो सेठ जी। ओहो, सेठ जी के खातिर लग रहा है लोगों में। ओहो, इधर उधर भगना मत सेठ जी, सुप साफ रूम में अपने। चलो 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 चलो, सेठ जी पहुंच गए अपने बाड़े में। सेठ जी को अभी उस बाड़े में डालेंगे, उसको खोल के। ओके, तो अब हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारी मतलब सांस्कृतिक पूजा होती है जो सारी औरतें मिलके करती है, वो जाके दिखाते हैं। चलो जल्दी। तो बचबारस के पीछे दो लोक कथाएं जानी जाती है। पहली लोक कथा तो ये है कि एक बार मतलब सास बहू होते हैं, सास घर से जाती है तो बहू को कह के जाती है कि गौलिया चले चढ़ा देना तवे पे, मतलब वो कुकर में, और उनके टोकरों का भी नाम क्या होता है, गौलिया और चवलिया होता है। तो बहू क्या थोड़ी वो बुद्धि से या ये कह लो कि सास की बात माननी होगी, इसलिए बहू क्या करती है गौलिया टोकरों को चढ़ा देती है। तो फिर वो सास आती है, सास देखती है कि ये तूने क्या पाप कर दिया, अधर्म कर दिया, वो फिर सास भगवान से प्रार्थना करती है, वो करती है, और एंड में मुरलीधर उनकी प्रार्थना सुनते हैं और गौले चोले वापस आ जाते हैं, और उस दिन से बस बारिश मनाई जाती है। और दूसरी ऐसी लोक कथा मानी जाती है कि पूरे गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तब एक को कहते हैं कि तेरे दोनों जो बेटे हैं उनकी बलि दे दे और वो तालाब के बीच में गाड़ दे तो बारिश होगी। तो फिर माँ को तो वो भेज देते हैं पियर, और फिर पीछे से बच्चों की बलि दे देते हैं। अब जब माँ आती है और माँ रोती है, माँ को पता पड़ता है बच्चे का है, माँ केवल रोती रोती बच्चों को आवाज देती है तो बच्चे वापस जिंदा होकर आ जाते हैं। तो ये सुनते हैं मुरलीधर जी माँ की वो क्या कहते हैं दुख सुनते हैं और वो बच्चे वापस आ जाते हैं। तो ये दो लोक कथाएं जानी जाती है और आज तक हम भी यही सुनते आए हैं, और देखो विश्वास इसीलिए करते हैं क्योंकि सनातन धर्म की कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बनी, समझे। तो अब हम उठाएंगे लड्डू, और वो भी भैंस के पोटे में से, और वो क्यों उठाया जाता है वो हमको नहीं पता, अभी मम्मी से पूछते बताते। तो ये देखो मम्मी, ये क्यों उठाते हैं भैंस के पोटे में से लड्डू, बताओ पहले। पोटे नीचे रक्षा के लिए उठाते हैं, हंसराज और बचराज आओ और लड्डू उठा के जाओ तो उनकी बच्चों की हमेशा हमेशा के लिए रक्षा होती है, समझ गए ना। और वो जो शॉर्ट में स्टोरी बताई थी वो उसी से रिलेटेड है, बाकी गूगल कर लेना। तेरी भी इज्जत हो रही है आज तो। पहले उससे उठवा लो, जो उससे उठवा रहे इसमें ऐसे होता है कि जिसके बेटे बाहर गए हुए होते हैं, विदेश होते हैं, तो वो भी है ना जैसे आखती पाखती वाले बछड़ों से उठवा लेते हैं। मम्मी आपने तो पैसे नहीं दिए। सब तुम्हारा ही है। एक आज नई परंपरा की शुरुआत है, बेटी से भी लड्डू उठवा रहे। अब जिनके हंसराज जी बचराज जी भी है वो अपने लक्ष्मी जी से उठवा रहे। चोगड़े तो हंसराज जी बचराज जी है, नई अच्छी चीज की शुरुआत हो रही है। और आपने देखा मम्मी कैसे व्लॉग बना रही थी, खुद को बोलने को मिला था कि आज एक नई इसकी शुरुआत हुई है। देखो यहाँ पे पूजा हो रही है, और कौन है देखो, ये यहाँ पूजा हो रही है, ये आगे मैडम। यस बोलो, क्या काम है? घर में पोटा करके जाना है। झालर पोटा करते झालर कोई करे खा ले। तो आज तो इस कैमरा मैन की भी किस्मत चमक गई, बढ़िया लाडू उठा रहा है। नुक्ती के लाडू है, हमारे यहाँ के फेमस होते हैं राजस्थान में। नुक्ती के लाडू सुनते ही हाँ उठा, जल्दी उठा, वापस उठा, वापस उठाया। अरे की नहीं करे था, डरो कान वास्ते हाव सीधी गाया है वा। नहीं झाल रही नहीं, कहाँ गई, कहाँ घुस गई, चेपो चेपो। मेरी कितनी याद आती है, देखो और कुछ खिला दो रे, और क्या खाएगी चल। ये घुस गई थी अंदर, इसका सिंग पकड़ के लाया हूँ मैं बाहर, ऐसे करके देखा चले 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 छानिए ले गए। चलो, और आपने देख लिया बचबारस कैसे मनाते हैं, बोल। हाँ ये बोलेगी वीडियो में, कुछ बोलेगी, ये बोलेगी क्या अच्छा लगा कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जय राम जी की।